Well, India's biggest heroes are those who've put their lives on the line to save the lives of those around them. Their selfless determination in the face of seemingly insurmountable obstacles define them as being incredible Indians. बिल्कुल यकीन नहीं आता कभी जिस तरह से वो अपनी जान को दांव पे लगा के दूसरों की मदद करते हैं, उसके लिए अपनी जान को दांव पर लगाते हैं, न किसी पुरस्कार की उम्मीद, न किसी वाहवाही की तमन्ना. ये है हमारे देश के असली हीरो, हमारे नायक. To give away the award to India's heroes, may I call on stage the activist, advocate, and author Bhuvan Ribhu, the founder of Child Marriage Free India campaign and the Just Rights for Children, and also the former Supreme Court judge, Justice Sikri. Welcome onto the stage. Thank you very much for being with us. We'll just bring the envelope across to you. If you can just open up the envelope and then read out the winner of this. You also said Justice Sikri joins us on the stage as well. Thank you, sir. Request both of you to announce the winners in this category. Oh, well. How do you say that? The Silkyara saviors. Silkyara. The Silkyara heroes. These were the heroes who saved so many lives, and their own, in fact, as well, when they dug out of that tunnel in Himachal Pradesh after the tunnel was blocked. Yes. An incredible rescue. The real heroes from Uttarakhand. द सिल्क्यारा टनल. आप सबको याद होगा कि हमने दिनों तक देखा था कुछ लोग फंसे हुए थे टनल के अंदर में, और ये लोग थे जिन्होंने आखिर में जहां मशीनें फेल कर गई वहां पर इन हिम्मतवर लोगों ने हौसला बनाए रखा और 41 जिंदगियां बचाई. जोरदार ताली इन लोगों के लिए. सिल्क्यारा बारकोट सुरंग जहां 17 दिन तक 41 मजदूर फंसे रहे थे और आखिर में इन्हीं 12 लोगों की मदद से उन्हें एक बार फिर से जिंदगी मिली. Tonight we honor the bravery and tenacity of these men who are in every sense India's heroes. A standing ovation for them, ladies and gentlemen. Here we have Vakil Hassan, Munna Qureshi, Naseem Mohammed, Rashid Mohammed Irshad, and we've got Firoz, we've got Nasiruddin and Kalimuddin, who are on the stage. Kalimullah. Receiving the stage. Kalimullah with this award. Bahut bahut badhai aap tamam logon ko. हमें पता है कि आपने किसी पुरस्कार की चाह में ये काम नहीं किया. आपने अपनी जान को दांव पे लगा के ये काम किया और इतने लोगों की 41 लोगों की जानें बचाई हैं. बहुत मुबारकबाद आप लोग तमाम लोगों को. जी, और तमाम आपके आपके हौसले को सलाम. इन तमाम लोगों की जो तालियों की गड़गड़ाहट है वो आप लोगों के लिए है. आप में से कोई भी अगर जवाब देना चाहें, आप तमाम लोग जब उस टनल सुरंग में थे आखिरी दिन, इतने लंबे समय से ये काम चल रहा था, मशीनें वो काम कर नहीं पाईं, जो आप लोगों ने आखिरकार किया और आप ही से उम्मीद टिकी थी, आपके लिए वो लम्हा कैसा था? दबाव महसूस होता था? आप में से कोई भी माइक अगर देंगे. जी, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद. बस हो रहा है, ऊपर वाले की कृपा थी. जो 145 करोड़ जनता थी उसी का प्यार और उसी की मोहब्बत थी जो हमें इतना हौसला मिला, क्योंकि 145 करोड़ जनता जो दुआएं कर रही थी उन्हीं की दुआओं से ये काम हुआ है. इंसान क्या कर सकता है, सभी का प्यार और मोहब्बत थी. सबने हमें लोगों ने प्यार सम्मान दिया और इंडिया टीवी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें याद. कभी कभी लग रहा था कि ये काम नहीं हो पाएगा, मतलब वो टनल का जो स्थिति था, जो कंडीशन था, वहाँ से मतलब कोई निकलने कोई बाहर नहीं आ पाएंगे. आइए, सबको नमस्कार, सबको जय हिंद. हम मेरे दोस्त हैं वकील हसन, जिन्होंने हमें फ़ोन करा था. भाई मुन्ना, 41 लोग फंसे हुए हैं क्योंकि हमें इतना टाइम तो मिलता नहीं. अपने बच्चे संभालें या भाई कहाँ देखें, हमें न्यूज व्यूज देखने की इतनी, अब देखना ज़्यादा चालू कर दिया क्योंकि हमारा भी फोटो आता उसमें. हाँ, उस टाइम देखते नहीं थे. तो भैया ने बताया मेरे को, हमने 41 लोग फंसे हुए, मैंने बोलने लगे वहाँ पे बहुत बहुत बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई, तो मैंने भैया आप वीडियो मंगा लीजिए और हम चलेंगे ज़रूर उस काम को देखेंगे. जब इन्होंने वीडियो मंगाई थी तो मैंने इनसे कह दिया था भैया हम कर लेंगे उसे और 24 घंटे में करके आ जाएंगे हम वापस उस काम को.
वैसे हमारी पूरी टीम थी और हमें बहुत उम्मीदें थी, और हम उन्हें वहाँ पे भी हमने जाके कहा था 24 से 36 घंटे में उन्हें बाहर ले लेंगे हम, मगर वही वाला हिसाब है, ज़्यादातर आज के टाइम में डिप्लोमा पे भरोसा किया जाता है, तजुर्बे पे कम कर रहे हैं क्योंकि डिप्लोमा डिप्लोमा होता है। ठीक, बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देते हैं। बहुत जी, हमारी कोशिश यही है कि हम आपने जो काम किया उसको एक बार फिर से दुनिया के सामने लाएं, आप सबको सम्मानित करें और आपके काम को बार बार याद किया जाए, और हमारी हम पूरी तरह से आपकी भावनाओं को समझते हैं, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आगे भी किसी ना किसी तरह से हम आपकी इन मुश्किलों को और आगे बढ़ाएँ ताकि लोगों को उसके बारे में जानकारी हो। सनी देओल हमारे साथ यहाँ पर स्टेज पर आप लोगों के साथ में है।